हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुम्बुल सिद्दीकी आज आपके लिए लेके आई हूँ ड्रेसीना की वैरायटी है ये भी, और इसका नाम है ड्रेसीना मार्जनीटा। इसको ड्रैगन ट्री भी कहते हैं, और ये मार्जनीटा के जो मेरे पास तीन वैरायटीज़ हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। तो अभी धूप भी इतनी नहीं है, चूँकि अब कराची में ज़रा थोड़ा सा मौसम भी तब्दील हुआ है, तो शायद आपको इतना कलर इसका नज़र ना आ रहा हो, लेकिन बहरहाल मैंने ये बहुत अच्छे से ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे ये सीढ़ियों पे रखे हुए हैं प्लांट्स, तो चलिए इस पर कुछ बात कर लेते हैं। अभी देखिए ये बहुत बड़ा हो गया है, ये बहुत छोटा सा मैं इतना सा लेके आई थी, बिल्कुल इतनी सी हाइट थी इसकी, और ये आपके सामने है मार्जनीटा। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता नर्सरी जाके जमा कर रही हूँ। इसकी बहुत सारी नर्सरीज में वैरायटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी होती, क्योंकि ये सीज़नल होते हैं, पूरे साल चलते हैं, लेकिन जब सीज़न की चीज़ें होती हैं तो नर्सरी में भी सीज़न की चीज़ें ज़्यादा मिल रही होती हैं ना, क्योंकि अभी वेदर अभी जो है तब्दील हो रहा है, तो इस तरह के प्लांट्स जो हैं नर्सरी में नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल मैं ये कभी आपसे शेयर भी किया था मैं अभी एक तो ये वैरायटी आपको दिखाती हूँ, एक अभी नई लाई थी मैंने, उस पर वीडियो बनाई थी। एक तो ये है, ये कितना बड़ा मेरा हो गया है मार्जनीटा, और एक ये वैरायटी है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये तो बहुत ही 3 साल पुरानी है मेरी ये, और एक ये मैं कल लेके आई थी ये वाली, ये भी मैंने आपसे शेयर की थी। और एक ये देखिए छोटा सा मेरे पास ये प्लांट है, ये भी मैंने इससे ही बनाया था, ये जो मेरा बड़ा वाला था इससे मैंने, और भी मेरे पास कुछ ऊपर छोटे रखे हुए हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो ये मार्जनीटा का जो प्लांट है ना, ये बहुत आप देखेंगे होटल्स में और इंडोर भी लोगों ने रखा हुआ होता है, जहाँ पार्शल शेड लोगों के पास होता है, जगह का इशू नहीं होता वहाँ लोग रखते हैं। ये बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत ही डेलिकेट प्लांट है ये, और आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, सीढ़ियों पे भी बड़ा अच्छा लगता है। और एक मेरे पास ये वाला ड्रेसीना था, ये मार्जनीटा की वैरायटी ये वाली थी एक, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी बहुत छोटा सा ही था, और एक जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वैरायटी मैंने कटिंग से तैयार की थी। प्रोपेगेट की जहाँ तक इसको बात करें ना, तो प्रोपेगेशन इसकी बहुत आसान है। देखिए ये मैंने बड़े वाले से ही निकाला था, इसको यहाँ से मैंने कटिंग कर दिया है और दूसरा बना लिया है, और एक मैंने ये बनाया है। अब देखिए इसको जो है ना आप प्रोपेगेट कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ से इसको कटिंग कर दें, ये जो इसकी मोटी वाली शाख आ रही है ना, इसको आप ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, तो ये जो जगह है ना इसकी, यहाँ से इसको कटिंग कर दें और इससे आपके 4-5 प्लांट बन जाएंगे। पहले यहाँ से करें, एक यहाँ से निकलेगा, फिर एक यहाँ से निकलेगा, और इसको एज इट इज़ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान प्रोपेगेशन है। खाद की अगर बात करें तो इसमें खाद आप डाल दें, पत्तों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सिंपल जो घर की सॉइल होती है वो डालें, मिक्स करें, थोड़ी सी नीम खली डाल दें, और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहा करें, कभी कभी इसमें अटैक होता है पेस्ट वगैरह का। और पानी आजकल नहीं दीजिएगा इसको बिल्कुल, मैंने बताया है कि पानी से बहुत एहतियात कीजिए, अभी सीज़न नहीं है पानी डालने का ज़्यादा ना, तो पानी नहीं डालें ज़्यादा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ एक वैरायटी, ये थी जो मैं अभी लेके आई थी, और थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, तो ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसमें ये बात है कि आप पत्तों की खाद डालें, पानी कम डालें, वैसे भी जब और मॉनसून में कटिंग करें, ख़ास बात ये बारिश का सीज़न हो मॉनसून तब करें, ऐसे अभी किसी भी पौधे को हाथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि रूट्स जो होती हैं, रीबॉन्ड अगर हो रहा है कोई प्लांट कोई भी, तो उसको प्लीज़ अभी दूसरे गमले में शिफ्ट नहीं करें, और इंतज़ार करें फरवरी के फर्स्ट वीक में लगाइए, ठीक है ना। तो ये मार्जनीटा का प्लांट लीजिए, ट्रॉपिकल प्लांट है, आपने घरों में और होटल्स वगैरह में भी देखा होगा, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत ही वैसे खूबसूरत प्लांट है। मैं और इसकी वैरायटीज़ आ रही हैं, मैंने नर्सरी वाले से बात की उस लेके आएगा, तो फिर वो भी आपसे शेयर करूँगी। इसे पत्तों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सिंपल सॉइल, पानी कम ज़्यादा नहीं दें, गर्मियों में भी एक दिन छोड़ के दें, इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा प्लांट,
और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें हर हफ्ते। अभी तो थोड़ा सा सारे ही प्लांट जो हैं वो स्ट्रेस में हैं, तो इसलिए शायद आपको इतना अच्छा ना लग रहा हो। वैसे बहुत अच्छा हो रहा है ये, लेकिन फिर भी अभी इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैं आपको दिखाना चाह रही थी। वीडियो बहुत लेट बनाई मैंने उस पर, तो ये आप अपने घर में लगाइए, बहुत ही एक्सेलेंट ये लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट ना, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो या इसकी और भी वैरायटीज़ हैं, जैसे मैंने बताया अभी एक नई मैंने ये ली थी, ये मुझे बहुत इसकी वैरायटी जो है ना, इसका अगर रंग आपको धूप में नज़र आ रहा हो, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। अब मुझे गलती ये हुई कि मैंने ना एक ही शाख का पौधा ले लिया, ये इसमें और भी बहुत सारी आ रही थी वो लेनी चाहिए थी, ताकि हम इसके दो प्लांट बना लेते हैं ना यहाँ से निकाल के, ये गलती हो गई। बस पानी का ख्याल रखें, ज़्यादा पानी मत दें, पत्तों की खाद दें, अभी सारी खादें बंद कर दें, अभी सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे करें, क्योंकि आजकल पेस्ट का अटैक हो रहा है, तो वो एहतियात कीजिए। नीम की खली ज़रा सी दे दें, एक दो चुटकी अगर आपको पेस्ट लग रहा है तो, लिक्विड पानी में मिला के ना, लेकिन पानी में तो खैर ज़रा मुश्किल ही होगा, वो आप उसको साबुन का पानी जो नीम ऑयल डालते हैं ना दो चुटकी ऊपर से पौधों में इस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो चलिए बस मैंने अपना ये मार्जिनीटा ड्रेसिना ड्रैगन ट्री भी कहते हैं इसको, वो आपसे शेयर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ जानना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने पौधों का ख्याल रखिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।